बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स चैप्टर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज से एंटिटीज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो नंबर वन है सम टू इनफिनिटी दी सीरीज़, इसका सम मालूम कर लें। तो हमारे साथ ये सीरीज हम इस तरह लिख सकते हैं 1 + 2/3 है, तो 2/3 हम लिख सकते हैं 2 × 2 1/3 प्लस 3/3 स्क्वेयर है, तो ये लिख सकते हैं 3 × 2 1/3 स्क्वेयर, ठीक है। और इस तरह 4 × 2 1/3 क्यूब। तो ये हमारे साथ, अगर इसको हम देख लें अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे साथ इनफाइनाइट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। ये 1 × 1 हम लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ये अर्थमेटिक है, और 1 1/3 1/3 स्क्वेयर 1/3 क्यूब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो सम हमारे साथ सम अप टू इन्फिनिटी जब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो उसका फार्मूला है a/(1 - r) + dr/(1 - r)2। तो इसमें a हमारे साथ 1 है, (d/(1 - r), r हमारे साथ 1/3 है कॉमन रेशो, ठीक है। d हमारे साथ 1 है, r हमारे साथ 1/3 है, और (d/(1 - 1/3)2 विच इज इक्वल टू 1 1 - 1/3 से आता है 2/3, इसका एलसीएम ले ले तो 2/3 आता है, इज इक्वल टू 1/3 और 2/3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर ले तो 2/3 होल स्क्वायर से 4/9 आता है, इज इक्वल टू, और इन दोनों से आता है, बल्कि ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो ये लिख सकता हूँ 3/2 और प्लस 1/3 + 4/9, तो 3/2 + 3 नीचे आ जाएगा और ये 9 डबल डिवीजन में ऊपर जाएगा, 9/4, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 4, 3 × 3 = 9, 3/2 + 3/4, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 4/2 से 2 आता है, 2 × 3 = 6, + 3, 6 + 3 = 9/4, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का 7th टर्म मालूम कर ले। तो ये हमारे साथ अर्थमेटिक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसमें ए हमारे साथ 1 है और आर हमारे साथ √3/2 है, ठीक है, कॉमन रेशो है √3/2/1 से ये आता है, और 3/4 / 10 से भी हमारे साथ √3/2 आता है, तो कॉमन रेशो हमारे साथ ये है, और इसमें 7 टर्म मालूम करना है, तो n हमारे साथ 7 है, तो हमें पता है कि ए एन बराबर है a₁ r^(n-1), तो a₁ = ए हमारे साथ 1 है, r हमारे साथ है √3/2 और n है 7, तो ये 7 - 1 है, तो ये मैं 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये √3/6 का मतलब ये है कि √3 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, √2/6, 2^6, 2 × 4 = 2 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 × 64, और ये √3 से 3 आता है, तो 3 × 3 × 3 = 27 आता है, तो 27/64, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो नंबर टू हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर थ्री है द 20th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 2/13 एंड द 3rd टर्म इज 6/5, फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस मालूम कर लें। तो हार्मोनिक हमारे साथ किस तरह है, हार्मोनिक रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक का, 1/(a+n-1)(d), हार्मोनिक हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो 20 टर्म का मतलब ये है कि a 20, ठीक है, a या h20 भी कह सकते हैं, h20, ठीक है, इज इक्वल टू 1/a, a हमारे साथ क्या है, ठीक है, a हमें गिवन नहीं है, 1/a प्लस 20 टर्म है, तो 20 - 1 = 19d, 19d इज इक्वल टू, यह हमें गिवन है, यह हमारे साथ है 2/13, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, मतलब a + 19d
तो ये इसका भी रिसीवर को लेंगे 3/2 लेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा हमें गिवन है एंड द थर्ड टर्म गिवन है मतलब H13, तो ये भी 1/a + 3d h3 a + n - 1, तो 3 - 1 मतलब a + 2d, और ये हमें गिवन है, ये हमारे साथ है 6/5 ये पहला 2/13 है, ठीक है 2/13 तो 13/2, और ये 6/5 है। a + 2d इसका रेसिप्रोकल, तो इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे हमने d मालूम करना है, ठीक है। तो d किस तरह मालूम करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर लो, तो a + 19d इज इक्वल टू 13/2 और a + 2d इज इक्वल टू 5/6, तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ख़त्म हो, 17d इज इक्वल टू 13/2 माइनस 5/6, तो 17d हमारे साथ आ जाएगा। इसका एलसीएम होगा 6, अब और 6/2 से 3 आता है, 13 3 39 और माइनस 5, तो इससे आता है 34/6, तो d हमारे साथ बहुत सारे डिवाइड बाई 17, तो 13/6 × 17 17 1 = 17 17 2 = 34 2 1 = 2 2 3 = 6, तो d हमारे साथ आ जाएगा 1/3, d इज इक्वल टू 1/3। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5/4 है ए हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर एस 32/3 एंड √128, ठीक है। हार्मोनिक मीन हमें गिवन है और ज्योमेट्रिक मीन हमें गिवन है, और अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। हमें पता है कि जी स्क्वेयर हमारे साथ बराबर है ए एच का, ठीक है। जी हमें गिवन है √128 और इसका स्क्वेयर है इज इक्वल टू, और हार्मोनिक हमें गिवन है, हार्मोनिक है 32/3 और ए हमसे अर्थमेटिक मीन रिक्वायर्ड है 32/3, तो इसका स्क्वेयर हमारे साथ 128 आता है और 32/3 × a। अब a मालूम करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 128 × 3/32, तो 16 2 = 32 और 16 8 = 128, तो 8 3 = 2 1 = 2 2 4 = 8, तो a हमारे साथ अर्थमेटिक मीन हमारे साथ आ जाएगा 4 3 = 12, तो इसका आंसर है 12। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बीस में करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट जो डिक्रीज होता है, डाइवर्जेंट जो इंक्रीज होता है, 5 10 20 डाइवर्जेंट है, 2 - 6 18 इंक्रीज होता है, 8 4 2 आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है, तो हमारे साथ ये कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1 1 - 1 1 अप टू इन्फिनिटी, तो इसका जनरल टर्म -1 n है, ठीक है, एक दफा -1 एक दफा 1, तो जब n इवन हो तो +1 आएगा, अगर ऑड हो तो -1 आएगा, ठीक है। तो हमारे साथ इसका जनरल टर्म ये है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2/1 3/2 4/3 5/4, इसका 6/5 होगा, ठीक है, ये हम इस तरह लिख सकते हैं 2 2 n 2 1/1, ये लिख सकते हैं 3 n 2 1/2 4 n 2 1/3 +5 5 n 2, सीरीज नहीं सीक्वेंस है, 5 n 2 1/4, तो नेक्स्ट होगा 2 3 4 5, तो ये 6 होगा, 1/1 1/2 1/3 1/4, तो ये 1/5 होगा, इसका मतलब है कि 6/5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। द 10 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोडक्ट, इसका 10 टर्म मालूम कर ले, ए हमारे साथ क्या है 2 है, डी क्या है a2 - a1 5/2 - 2, 2 LCM तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1/2, और 10 टर्म मालूम करना है, तो इसका मतलब है कि n हमारे साथ 10 है। जनरल फार्मूला है an इज इक्वल टू a + a1 + n - 1 × d, a हमारे साथ 2 है, n 10 है, तो 10 - 1 और d है 1/2, तो 2 + 10 - 1 से 9 आता है, तो 9/2, 2 LCM तो 2 2 = 4 + 9, इससे आता है 13/2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द नंबर √5 - 4
एन अंडर द रूट 5 प्लस 4। ज्योमेट्रिक मीन हमारे साथ बराबर है अंडर द रूट ए बी, तो ए हमारे साथ है अंडर द रूट 5 माइनस 4 और ए हमारे साथ है अंडर द रूट 5 प्लस 4। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो अंडर द रूट ए 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, इससे 5 आता इससे 16 विच इज इक्वल टू -11। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इमेजनरी आता है तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। और नंबर 10 है पार द ज्योमेट्रिक मीन 4 अंडर द रूट 3 8 अंडर द रूट 3 द पोर टर्म एस। तो एन हमारे हमें पता है ए 1 r पावर n-1, ए 4 मतलब एन 4 है। ठीक है, 4 टर्म मालूम करना है तो ए 4 है, एन 4 है। ए हमारे साथ क्या है, पहला टर्म जो हमारे साथ है 4 n2 अंडर द रूट 3। आर हमारे साथ क्या, r 2 है, दिस डिवाइड बाय दिस से हमारे साथ 2 आता है, तो r हमारे साथ 2 है, n 4 है, तो 4 माइनस 1 c 3 आता है, विच इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8 8 4 32 n2 अंडर द रूट 3। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।